तो भाई इस टाइम फिलहाल आप देखने लाग रहे हो अपने साथ में भाई मनोज जुड़ रहा है जो कि बीजेपी पार्टी ते प्रदेश कार्यकारिणी जो है सदस्य भी है, तो उनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम मंजीत भाई, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। समय समय पे आप जो है सरकार की और सामाजिक जितने भी समस्याएं रहती हैं वो समय समय पे आप उठाते रहते हो और बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता एक आप हैं, तो मैं मंजीत को इस शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और कल तो तोड़ फाड़ दिया आपकी बीजेपी ने। हाँ, लगातार भारतीय जनता पार्टी हर घर तक पहुंच रही है। जहां अमित शाह जी ने करनाल में एक अलग से संदेश देने का कार्य किया है, वहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश और दूसरे प्रदेशों में जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माननीय मोदी जी और जितना भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है वो दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी को रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें करे करे आपने नुकून लगता भाई जी, इस प्रकार कांग्रेस के जो है जगह जगह कार्यक्रम होने लग रहे हैं, आपने नुकून लगता भाई बीजेपी फिलहाल जो थोड़ी ठंडी पड़ रही है। देखिए, जो भी संगठन है, कांग्रेस अपनी नीतियों से भटक चुकी है। पिछली जो कांग्रेस होती थी आज वो कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस के आज भी कितने घोटाले उभर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जिस तरीके से मोदी जी और अमित शाह माननीय मनोहर लाल जी की देखरेख में हरियाणा प्रदेश ने ना पर्ची है ना खर्ची है, आज हर युवा को मौका दिया जा रहा है, हर नौजवानों को जो है भर्तियां शिष्टाचार से की जा रही है, जो अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं आज उनको मौका दिया जा रहा है। और जहां बात करा भाई शिक्षा और स्वास्थ्य की, वहां पर तो ढीली पड़ रही है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब आदमी को पूर्ण तौर से उपचार करने के लिए, पीछे अगर अपने घरों में कोई बीमार हो जाता तो कितनी दुविधा हो जाती थी कि जमीन बेच के उसका इलाज करवाना पड़ता था। आज माननीय मोदी जी की, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, किस तरीके से 5 लाख तक आम आदमी एक जो है उपचार करवा सकता है, उसको कहीं भी अपने स्वास्थ्य की तरफ से कोई भी इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक अनोखा आम गरीब आदमी को तोहफा है। तो जी कहिया कि जिस तरह इनकम भी ज्यादा और इस कारण आयुष्मान कार्ड बनाने को लाए रात के कारण इसका। देखिए, माननीय मनोहर लाल जी ने बहुत ही गंभीरता से आयुष्मान कार्ड के लिए दोबारा से एक टीम बैठाई है और पोर्टल लगाए हुए हैं। जो काबिल आदमी है उनको निरंतर आयुष्मान कार्ड में लिया जा रहा है, जो अनकाबिल आदमी है वो बर्दाश्त नहीं रहे। अच्छा भाई, ये काल की जो है एक काल की रिपोर्ट और है, हरियाणा की सारी रोडवेज बस करनाल बुला ली, पढ़नी ये बालक माँ भाण बेटी स्टेशन पर बाट देखने लग रही, बस स्टैंड पर बाट देखने लग रही, बस आओगी कि ये एक बड़ी लापरवाही नहीं करी है। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छी योजना के तहत करनाल में एक बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम हमारा हुआ है और युवाओं में जोश इतना था कि वो ट्रेनों से भर के, बसों से भर के, अपने साधनों से खुद करनाल पहुंचे हैं और माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए लाखों की तादाद में करनाल में भीड़ रही है, जिसका संदेश पूरे भारत में गया है। जहां चुनाव हो रहे हैं राजस्थान मध्य प्रदेश में, हरियाणा ने एक अलग से ऊर्जा देकर, माननीय अमित शाह जी ने बहुत ही ऊर्जावान होकर दूसरे स्टेटों को भी एक अच्छा सा संदेश देने का काम किया है। हर युवा अपनी तरफ से गया है, अपनी, उनको ये पता है अगर नौकरी कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी। भाई वाह, ठीक है पाली, हर युवा अपनी मर्जी तो गया है, बहुत सारे युवा चले गए, खूब ठाडी भीड़ होगी उठा, लेकिन उन बस स्टैंडा की बात करा, भिवानी की, तोसाम की, महेंद्रगढ़ की, रिवाड़ी की, जहां पर लोग जो है बस स्टैंड पर बाट देख दे रह गए, हरियाणा रोडवेज की बस आओगी, हरियाणा रोडवेज की बस आओगी। देखिए मंजीत भाई, जब जब कोई किसानों का कार्यक्रम होता है या कोई ऐसा संदेश देने का, भारत को संदेश देने का प्रोग्राम होता है, तो हमारी बसें, अभी पीछे हमारे जयप्रकाश दलाल जी ने एग्रीकल्चर जो है प्रोग्राम, किसानों का प्रोग्राम किया था, तो किसानों के लिए भी हमने बसें उपलब्ध करवाई थी ताकि किसान गांव-गांव से भर के चले जाएं और वो अपनी जो है सुविधाएं जो सरकार दे रही है उन तक पहुंचे, वो अच्छे तरीके से समझे, तो ये किसानों की अपनी मर्जी। भाई साहब, किसानों की अपनी है, ये हरियाणा रोडवेज की जो नई मिनी बस आ रही डिपो के अंदर खड़ी है उन ले जाओ, कम से कम पब्लिक तो दुखी नहीं होगी, पब्लिक ना तो आवागमन बनी रहोगी पब्लिक की। तो मंजीत भाई, जिस तरीके से परिवहन का बेड़ा है, अभी 5,000 बसें और भी नई आने जा रही हैं, बहुत चंडीगढ़ तक
नारनौल से लेके चंडीगढ़ तक दूसरे छोरों तक कांग्रेस के टाइम में आप देखिए कोई 5-5 घंटे में बसें जाती थी, आज निरंतर हर 5 मिनट के बाद में सर्विस है। महिलाओं के लिए अलग से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों पढ़ने वाली छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए मुफ्त यात्रा देने का काम किया, बसों में जो है वो फ्री जाएंगी और बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं लेके आए। और इस मामला में आप भाई बीजेपी के जो आप कार्यकर्ता भी हो और इसमें आप उधर से सामाजिक कार्यकर्ता भी हो और समाज की आप बात करा तो कभी आप धरना पर नजर पाओ हो और कभी आप जो है बीजेपी की कार्यकर्ता बने पाओ हो। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, माननीय मनोहर लाल जी हमारे उसमें पूरी टीम के अध्यक्ष हैं और उनकी देखरेख में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। समाज की बात आती है तो समाज के साथ भी है, समाज अग्रणी सदस्य है, हम समाज के छोटे से पौधे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लिए हम अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर कार्य करते हैं। अग्रणी पंक्ति में खड़े होके आज जो विवाद चल रहा है सम्राट मिहिर भोज को लेकर के, उसकी भी आवाज आप उठा सको हो। मजीद भाई ठीक कह रहे हो आप, इस विषय पे हम एक डेपुटेशन लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विवाणी जो है इस विषय पे पूर्ण तौर से मैंने खुद चर्चा की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, राजनाथ सिंह जी से भी और माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी हम एक पूरा डेपुटेशन लेके मिल चुके हैं कि राजपूत और गुजर समाज हमारे दोनों आपसी एक भारतीय जनता पार्टी के सामूहिक साथी भी हैं और हमारा आपसी बहुत मेलजोल भी है। गुजर समाज हमारा अपना समाज है और इस प्रकरण के बारे में जो भी विवाद है या कोई ये छोटी मोटी बातें हैं वो हाईकोर्ट का फैसला आप है। भाई साहब एक बात बताओ, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हो इसलिए व्यक्ति है वो दोनों समाजों में खटाई डालने का कार्य करते हैं, लेकिन दोनों समाज बहुत ही सुलझे हुए हैं, ऐसी वाणी बोलना गलत है एक दूसरे के प्रति। हम दोनों समाज बहुत ही अच्छे तरीके से दिलों से दिल मिले हैं, हम एक दूसरे के शादियों में विवाह शादियों में आपसी हमारा दोस्ताना बहुत है, गुजर समाज से और राजपूत समाज का पुराने अरसे से। हम इस बात के लिए कि राजा मिहिर भोज जी राजपूत हैं या गुजर हैं, ये 800वीं सदी से राजा मिहिर भोज जी क्षत्रिय समाज के थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे बहुत अच्छी एक कमेटी का गठन कर दिया है, दोनों समाजों को जो भी फैसला आएगा माननीय हाईकोर्ट भी और मुख्यमंत्री ने जो फैसला लेना वो अच्छा निर्णय आएगा। तो भाई इस टाइम फिलहाल जो है आप भाई मनोज जो है बीजेपी कार्यकारिणी का जो है राष्ट्रीय सदस्य कार्यकर्ता भी है, उनके सामने थे, उन तक मौजूद हुए और उनके विचार आपके सामने है। कमेंट में अपनी राय जरूर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।